एक अच्छी शिक्षा से वंचित तूतीकोरिन के मिलरपुरम के एक नाई पी पोनमरियप्पन ये सुनिश्चित करने के लिए दृढ़ है कि युवाओं में पढ़ने की आदत पैदा हो। स्कूल छोड़ने के बाद उन्होंने जो सलून स्थापित किया उसमें उनके पास 800 से अधिक पुस्तकों का संग्रह है और उन ग्राहकों को वे 30% की छूट प्रदान करते हैं जो किताबें पढ़ते हैं और वास्तविक प्रतिक्रिया प्रदान करते हैं। 38 वर्षीय पोनमरियप्पन गरीबी के कारण 8वीं कक्षा से आगे नहीं पढ़ सके, लेकिन ज्ञान की उनकी प्यास ने उन्हें अपनी दुकान में एक ऑडियो सिस्टम स्थापित करने के लिए प्रेरित किया जिसमें वे प्रसिद्ध तमिल वक्ताओं के भाषण को बजाते थे। वे ये सुनिश्चित करने के लिए कि छात्र किसी पुस्तक से कम कुछ पृष्ठ पढ़े, वे उन्हें अपनी दुकान में रखी एक छोटी सी पुस्तक में जो भी उन्होंने पढ़ा हो उनका सार लिखने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। पोनमरियप्पन ने 6 साल पहले 250 पुस्तकों के साथ अपना संग्रह स्थापित किया था। अब उनके पास लगभग 850 किताबें हैं जिनमें अधिकतर तमिल है और कुछ महान नेताओं की आत्मकथाएं अंग्रेजी में हैं।